हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन अफ़गानी, जिसको अफ़गानी चिकन करी भी बोल सकते हो आप। तो इस रेसिपी को देखने से पहले, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और रेसिपी को पूरा देख लीजिए। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं चिकन अफ़गानी करी। चिकन अफ़गानी करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने धो के साफ़ करके रखा है, और इस चिकन को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीसेस में कट करके लिया है। सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे ऑनियन पेस्ट 3 बड़े चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। अब ये देखिए, मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसको हाथों से क्रश कर लिया है, इसको हम डाल देंगे। दही डालेंगे हम इसमें 4 बड़े चम्मच, फ्रेश क्रीम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कैसू नट का पेस्ट भी डाल सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ थोड़ा सा धनिया के पत्ते, आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हो धनिया के। अब स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे इसमें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक फ्राई पैन गरम करेंगे, आप चाहे तो एक पतीला भी ले सकते हो, चौड़ा मुंह वाला एक पतीला लेना है हमें या फ्राई पैन लेना है। इसमें हम तेल डालेंगे लगभग 7 से 8 बड़े चम्मच। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम खाली चिकन पीस को इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए, एक एक करके मैंने डाल दिया है चिकन को। हाई फ्लेम में हम फ्राई करेंगे चिकन को। हमें ध्यान रखना है कहीं चिकन हमारा जल ना जाए। ये देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए चिकन, तब हम इसको पलट लेंगे। दूसरे तरफ भी हमें फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने पलट लिया है सारे चिकन को। हमारे चिकन अभी दोनों तरफ पक चुका है अच्छे से। जब हमें लगे चिकन हमारा 40 से 50% कुक हो चुका है, तब हम गैस को लो पे रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 छोटी इलायची। ये देखिए, 2 लौंग डालेंगे इसमें, और जो बचा हुआ मैरिनेशन इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसमें दही है इसीलिए हम गैस को लो पे रखेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद गैस को हम मीडियम पे रखेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। और भी पकाना है हमें चिकन को। देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको हम ढक के अभी अच्छे से पकाएंगे। जब तक हमारा चिकन पक ना जाए तब तक हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है, हमारा चिकन जो है अच्छे से कुक हो चुका है। लास्ट में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और गैस को हम ऑफ कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इस चिकन में हम थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे, इसीलिए एक चारकोल को मैंने गरम कर लिया है। पैन के बीच एक छोटा सा कटोरी रखेंगे और इस कटोरी में हम चारकोल को डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे, ये देखिए, और इसको इमीडिएटली हम कवर कर देंगे। इसको हम कम से कम 1 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, और इस कटोरी को हटा देंगे हम। ये देखिए, हमारा
अफगानी चिकन करी अभी रेडी है। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। इसके साथ आप रोमाली रोटी, नान या पराठा सर्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।